सोनपुर एक रहस्यमय और गुप्त गांव था। इस गांव में सोना ही सोना था। गांव पर शैतान का राज था। शैतान तलवार की नोक पर गांव वालों से काम करवाता था। शैतान के चेले चाबुक से मजदूरों को मारा करते थे। फटाफट हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, अगर एक भी रुका तो तुम लोगों की चमड़ी छील दूंगा। हम सब पर थोड़ा तो रहम करो। मुझे बहुत भूख लगी है। अब जब तुम काम पूरा करोगे तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। ये हमारे आका का हुक्म है, तो जुबान चलाने से ज्यादा हाथ चलाओ अपने। चाबुक की आवाज गूंजती और मजदूर डर के मारे काम करने लगते। शैतान की फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। कुछ सोना पिघलाकर उससे सोने की ईंटें बनाते थे और कुछ सोने की ईंटें यहाँ से वहाँ ले जाते थे और सभी पर पहरा देते थे शैतान के बेरहम चेले, जो उन्हें चाबुक से मारा करते थे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमें इस कैद से आजाद करो। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, यहाँ सिर्फ मेरा राज है, मेरा। तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है बुढ़िया। हे महाबली हनुमान, इस शैतान को इसके किए की सजा दे, कृपा करो हनुमान। बूढ़ी औरत की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची। मेरे भक्त संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी ही होगी। हनुमान जी ने एक युवक का रूप लिया और उड़ते हुए सोनपुर आ पहुंचे। वो मजदूरों के बीच शामिल हो गए। शैतान का एक चेला बूढ़ी औरत पर चाबुक चलाने ही वाला था कि हनुमान जी ने उसका चाबुक रोक लिया। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ, बूढ़ी अम्मा को क्यों मार रहे हो? उनकी उम्र देखकर तुम्हें तरस नहीं आता क्या? अरे हम शैतान के चेले हैं, हमें किसी पर तरस नहीं आता, ना उस बूढ़ी औरत पर और ना तुम पर। शैतान के चेले ने हनुमान जी पर चाबुक बरसाना शुरू कर दिया। हनुमान जी हंसते हंसते चाबुक की पीड़ा सहने लगे। अरे रे, रुक जाओ, जान लोगे क्या उस बच्चे की? रुक जाओ, शैतान कहीं के। अरे चुपचाप अपना काम करो। हाँ, सब काम कर रहे हैं, तुम उसे मत मारो। ठीक है ठीक है। शैतान का चेला वहाँ से चला गया और सारे मजदूर काम करने लगे। बूढ़ी औरत युवक के पास गई। बेटा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उस नास पीटिए ने कितना मारा है तुम्हें, शैतान कहीं का। कोई बात नहीं अम्मा, कम से कम आप बच गई। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। एक तू है और एक मेरा बेटा। खैर छोड़, काम कर। बूढ़ी औरत सोने की ईंटें उठाने लगी। हनुमान जी भी उसी के साथ जुड़ गए। अम्मा, आप यहाँ कैसे पहुँची? अब क्या बताऊँ, मैं बूढ़ी हो गई थी, अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई थी, तो उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिनों तक मैं गांव-गांव भटकती रही और फिर रात के अंधेरे में शैतान के चेले मुझे यहाँ ले आए। अरे भैया, मेरे साथ भी यही हुआ था। रात के अंधेरे में घर के आंगन में सोया था और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। तो ये माजरा है। हनुमान जी ने पूरा दिन मजदूरों के साथ काम किया और रात को वो उनके बीच ही सो गए। पर जैसे ही उन्हें आहट सुनाई दी, वो उस दिशा में चल पड़े। उन्होंने देखा कि सारे शैतान के चेले एक साथ बैठे थे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है?
लगता है मरने आया है। इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। अब किसकी मौत होगी ये तो प्रभु श्री राम ही बता सकते हैं। अरे इस राम भक्त की हड्डियाँ तोड़ दो। शैतान के दो चेले युवक की ओर बढ़ते हैं। युवक हवा में उड़ते हुए शैतान के चेलों पर हमला करता है। हैं? ये कैसा जादू है? जादू नहीं, प्रभु श्री राम की भक्ति है। क्या मतलब? युवक हनुमान जी में बदल जाते हैं और हनुमान जी अपने बड़े से गदे से शैतान के चेलों को पीटने लगते हैं। बहुत अत्याचार किया तुम लोगों ने, अब तुम्हें तुम्हारा दंड तो मिलेगा ही। और ये सब हमने अपने आका की आज्ञा से ही किया है, हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। इस पाप के लिए ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना तुम्हारे आका को। हनुमान जी ने अपने गदे से हर चेले के सर पर मारा और वो सब जमीन में धस गए। तुम्हारे लिए यही सजा है, कीड़े मकोड़े तुम्हें काट काट कर खा लेंगे। हनुमान जी वहाँ से उड़कर शैतान के पास पहुँचे। उठ जा पापी। और उसे उठाकर उसे पीटने लगे। तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना? सोना चाहिए तुझे। हनुमान जी ने उसके कमरे से एक सोने का खंभा उखाड़ लिया और उसी खंभे से शैतान को पीटने लगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने इतने सारे मासूमों की जिंदगी खराब की है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी ने शैतान के सिर पर मार कर उसे भी जमीन में धसा दिया। शैतान माफी मांग रहा था पर उन्होंने उसे माफ नहीं किया। फिर हनुमान जी मजदूरों के पास लौटे, सारे मजदूर सो रहे थे। हनुमान जी ने सभी को उठाया और बादलों में उड़ने लगे। हनुमान जी ने हर गरीब मजदूर को उसके घर छोड़ा सिवाय उस बूढ़ी अम्मा के। उस बूढ़ी अम्मा को हनुमान जी ने एक आश्रम के आंगन में छोड़ा और वहां से चले गए। सुबह जब बूढ़ी अम्मा की नींद खुली तो वो हैरान थी, मैं यहाँ कैसे पहुँची? महाबली हनुमान जी की कृपा से इस आश्रम में सभी उन्हीं की मर्जी से होता है। जय हनुमान। हनुमान जी ने अपने भक्त की भी रक्षा की और सारे पीड़ितों को भी उनके घर पहुंचा दिया। शैतान और उसके चेले अभी भी जमीन में धसे हुए हैं। लगता नहीं कि वो कभी जमीन से बाहर निकल पाएंगे। हनुमान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और सभी की खुशी देखकर हनुमान जी खुद भी मुस्कुराए। जय श्री राम।